तो हम आपको बता रहे हैं कि हमें एक्सेस या एसक्यूएल की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि आपने बोला कि मुझे लाइफ में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एसक्यूएल की और एक्सेस की, और मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास इसकी नॉलेज नहीं है इसलिए आप इसकी यूज नहीं करते। तो चलिए, मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ये प्रॉब्लम हर लोगों के पास मोस्टली होती ही होती है। जैसे मेरे पास डेटा है, सेल्स का डेटा है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट के कोड है, बट प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें दूसरी शीट या दूसरे फाइल पे है। ऐसे हमारे पास कस्टमर की डिटेल्स है और कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और दूसरी शीट पे, राइट? ये है कि मुझे जो एनालिसिस चाहिए वो एनालिसिस में प्रोडक्ट की अमाउंट एमआरपी भी आनी चाहिए ताकि मैं अमाउंट के अमाउंट निकालू, सिटी आनी चाहिए ताकि सिटी वाइज में समरी निकाल सकू। तो इसका सोल्यूशन आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग रो इंसर्ट करके बी लुकअप लगा लेते हैं। करते हाँ मेन के लिए हमने क्या किया, हमने बी लुकअप किया और इसको सिलेक्ट कर, और यहां से हमने प्रोडक्ट का नेम ले लिया। प्रोडक्ट का नेम, तो हाँ प्रोडक्ट का नेम मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, डी सी डी टी एफ टी, ये मान लीजिए प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्ट का नेम आ गया। ऐसे में के लिए ऐसे मैं सिटी के लिए निकालूंगा। तो ये डेटा आप अगर वन टाइम आया तो यू कैन डू इट, बट क्या है कि मेरे पास ये डेटा, सेल्स का डेटा हर दिन डाउनलोड होके आते रहता है। जैसे कि आज मान लीजिए कि ये डेटा 26 तारीख की आ गई, कल की आएगी तो मैं इसी के नीचे पेस्ट कर दूंगा। इसी के नीचे मैं पेस्ट करूंगा। तो क्या लग रहा है जब इसमें कॉलम, क्योंकि आपके पास जो डेटा अब मेल पे आएगा वो तो इसी फॉर्मेट में आएगा ना, आपको पेस्ट एक एक कॉलम करना पड़ेगा क्योंकि हाँ, बीच, वे लुका में एक एक कॉलम करना पड़ेगा। हाँ बीच में आपको कई सारे फील्ड जुड़े रहेंगे ना, फिर वी लुकअप को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग फाइल में हुआ तो भी दिक्कत होगा। इन द शॉर्ट प्रॉब्लम तो होगी, समझ गए? अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, पावर पिवट से, समझ गए? तो पावर पिवट ठीक है। यूज करते, अगर आप पावर पिवट यूज करते हैं तो लिमिटेड है, अलग अलग फाइल्स होगी तो उसमें दिक्कत होगा, चेंजिंग होगी, कैलकुलेशन होगा, सिस्टम हैंग करेगा, मतलब प्रॉब्लम होगी। मतलब कि थोड़े काम है तो आप कर लेंगे, लेकिन इसी तरह से लार्ज स्केल पे डेटा है, कई सारे कैलकुलेशन है, जब आप मल्टीप्लाई अगर कर लोगे, बहुत सारे कैलकुलेशन है, बहुत सारे चीजें हैं, वो आप पे नहीं कर पाए। तो ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। इजी करता है, एकदम इजी, आप भी सीख सकते हो। एक्सेस को खोला, नया डेटाबेस बनाया और मैंने एक्सटर्नल डेटा पे गया और उस डेटा को लोड कर दिया फ्रॉम फाइल से एक्सेस। लोड करते समय मैंने इसको लिंक कर दिया, कॉपी पेस्ट नहीं किया या अपेंड नहीं किया, हमने लिंक कर दिया एक्सेल को और हमने से पी डेटा को ऐड कर लिया। एंड तो एक बार में एक ही सीट ऐड होगी ना, तो स्विच नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश कर, फिर से ऐड हो गया, फिर वापस हम करें। ये मुझे सिर्फ एक बार करना है, हर दिन नहीं करना है। प्रोडक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश, और फिर
कस्टमर नेक्स्ट तीन डेटा ऐड हो गया हमारा। अब मैं यहां पे क्रिएट करता हूं क्यूरी और तीनों टेबल को ले लेता हूं। अब तीनों टेबल के बीच में हमें रिलेशन क्रिएट करना है। ये डेटा अलग है हटा देता हूं। तो ये हमारा सेल्स मेन है तो सेल्स की पीआईडी प्रोडक्ट की पीआईडी के बराबर है, बस होल्ड करके हमने इसको छोड़ दिया और सीआईडी इसके बराबर है। वीलुकअप लगाते हैं ना तो वीलुकअप बताना पड़ता है ना कि भाई सीआईडी ढूंढना है पीआईडी ढूंढना है सेम चीज है। तो मैंने यहाँ पे एसआई डाला, नेम डाला, पीआईडी डाला, फिर प्रोडक्ट का नेम, उसका एमआरपी। अब यहाँ क्वांटिटी के लिए यू टी वाई मैं बोल दिया क्वांटिटी एमआरपी क्वांटिटी यहां से लेना पड़ेगा। पहले क्वांटिटी लेते हैं ना इसके क्वांटिटी, फिर यहां मैं बोल दिया अमाउंट और यहां पे कैलकुलेशन कर दिया बड़ी ब्रैकेट में क्यू टी वाई मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। उसके बाद यहां पे कस्टमर की सीआईडी और फिर यहां से कस्टमर का नेम और कस्टमर का सीमा, ठीक है। और फिर इसको हम आपस में सेव कर देते हैं क्यूरी वन के नाम से। अब देखिए यहां पे पूरा डेटा कैलकुलेट होके एमआरपी आ गया, क्वांटिटी आ गया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो गया, कस्टमर का डिटेल पूरा आ गया ना सर। अब ये डेटाबेस 7 है। अब मैं इस डेटाबेस को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं एक उसी फाइल को ओपन करता हूँ जिसपे मैंने कुछ किया था डेटाबेस। अब मैं एक नया सीट जहां पे मुझे समरी बनानी है उस समरी डेटा डेटा पे कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगा छोटा सा निमो यहाँ पे सॉरी डेटा में जाऊंगा फ्रॉम यहाँ पे एक्सेस आएगा डेटाबेस में। हाँ एक्सेस और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में डेटाबेस 7 को ऐड कर लेता हूँ। इसका हमारा कौन सा है क्यूडी वन एंड लोड। आ गया सर। अब यहां पे कोई भी चेंजिंग होगा चाहे यहां पे कोई भी चेंजिंग होगा चाहे यहां कोई चेंजिंग होगा मान कि मैंने रैम का एमआरपी 500 कर दिया तो आपके डेटा में इसमें समरी में जो है रैम का भी डीवीडी है ना एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। रिफ्रेश कीजिए तो आप देखेंगे रैम का 500 हो गया तो जल्दी हो जाएगा। इसको तो मैं एज ए डेटा लिया मैं इसको डायरेक्ट एज ए रिपोर्ट ले सकता हूँ और जो छोटी होती है ऐसे बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस बड़े बड़े चीज में कर सकता है एक्सेस की मदद से। तो एक्सेस एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा डेली डेली आप एक बड़े काम को भाई आसानी आसान कर दिया ना। आप अगर इस फीचर को यूज ना करें तो क्या करेंगे आप कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हर बार देगा हर बटन से कॉपी ऊपर से नीचे डेटा को डाउन करेंगे ड्रैग डाउन करेंगे वीलुकअप को और फॉर्मूला तो छोटा डेटा है लेकिन जब आपके पास लाखों में डेटा होगा
तो फिर जैसे जैसे फॉर्मूला डालते जाएंगे आपका सिस्टम हैंग कर देता है। तो केसेस जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड फाइल वगैरह बनती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो उसमें ये हमारा परफॉर्म नहीं करता। ठीक है ना, एक हो गया। अब एक इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल दिया ताकि आप समझ सके। ऐसे एसक्यूएल की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि एसक्यूएल की क्यूरी, एसक्यूएल सर्वर की हम बात नहीं कर रहे, हम आपको एसक्यूएल सर्वर सिखाएंगे, दिख रहा है आप, एसक्यूएल डेटाबेस लैंग्वेज सिखाऊंगा, एसक्यूएल सर्वर नहीं सिखाऊंगा। तो उसका भी हम एसक्यूएल क्यूरी का भी यूज करते हैं अपने डेटा कनेक्शन में। यहाँ दिखा हुआ क्यूरी, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी जब इस्तेमाल करते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए अब पिवट की कोई भी पिवट एक ही डेटा पे लगता है ना, कि आप आपके पास जैन फैब मार्च तीन अलग अलग सीट का सैलरी है स्टाफ्स की, तो आप समरी निकालना है कि भाई क्वार्टरली हमने क्या सैलरी दिया है, बताइए कि इस एक क्वार्टर वन का हमने सैलरी क्या दिया। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास तीन अलग या तीन अलग अलग फाइल में डेटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करके एक के नीचे पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी यूज करेंगे, एसक्यूएल का माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का यूज करेंगे और एसक्यूएल का यूनियन ऑल कमांड यूज करेंगे, और हम बिना कॉपी पेस्ट किए हुए हम पिवट बना लेंगे, तीन टेबल से, चार टेबल से, पांच टेबल से, समझ गए? ठीक है। तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट ऑटोमेशन, मतलब कि कितना कम से कम हम मैनुअल वर्क करें। मेरा ट्रेनिंग का मेन मोटिव यही होता है कि आप कम से कम मैनुअल वर्क करें, क्योंकि मैनुअल ऑटोमेशन में दो फायदा होता है, पहले टाइम सेविंग और दूसरा एक्यूरेसी। जैसे मान लीजिए आपको पूरे साल के 12 फाइल है, 12 फाइल की जितनी सैलरी डेटा है या मान ज्वाइनिंग डेटा है उसको कॉपी, ताकि आप एनालिसिस कर सके कि पूरे साल में आपने किस किस तरह के टीम में किस किस तरह की सदस्यों को कितना एवरेज सैलरी पे ज्वाइनिंग करवाया। तो 12 आपके पास अगर कंसोलिडेट डेटा है तो ठीक है, लेकिन क्या कंपनी में एक ही महीने का डेटा 5 लाख हो जाता है, तो वो लोग कंसोलिडेट नहीं करते, तो उन सब डेटा को कंसोलिडेट हम लोग एक्सेल में करते हैं, और एक्सेल से हम क्यूडी के जरिए जो रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट मिलेंगे आते हैं, क्योंकि तो 10 लाख की लिमिटेशन ही ना एक्सेल की। अब कभी आपका 12 लाख का डेटा हो गया तब क्या करेंगे, तो एक्सेल यूज करेंगे ना सर। तो अलग जी आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे इसका यूज नहीं, इसका यूज इसलिए नहीं है क्योंकि तो आपको आता नहीं, या फिर आपके पास उतना एक्सेस नहीं है, मतलब कि उतनी डेटा नहीं है इसलिए। ठीक है,